होगी पूजा। अच्छा हाँ होगी। हाँ एक बात बताओ, अगर मुझे कुछ होगा तुम दूसरी शादी कर लोगे? किससे कर लेंगे, कोई बात नहीं। करोगे? मेरे ऑफिस में काम करती है, बहुत तेज एक्टिवा चलाती है और बहुत अच्छी है, उसके पीछे मैं कभी कभी बैठा हूँ, मैं उससे करूँगा। और अगर अच्छा, मुझे तुम्हें कुछ हो गया तो? कुछ होगा? होगा, जरूर होगा, लेकिन जब नहीं अभी होएगा, अभी इस चक्रा जाऊंगा तो कोई नहीं। चल तू फोन मारी दियो जरा अपना, क्या हो गया? अरे फोन दे दो 1 मिनट अपना। ये क्या है, सब इसे पढ़ना जरा। मेरा चश्मा लेके आ, चश्मा नहीं आप लगाते, ठीक है? पढ़ो जल्दी। तू मेरी मुमताज, मैं तेरा शाहजहां। क्या है ये? रुक तो जा, समझाने तो दे मुझे। हाँ तो समझाओ, क्या है ये सब? मैंने ना नया ठेकेदारी लेने का काम शुरू करा ना, अच्छा तो ये मेरी क्लाइंट है जो नु कह रही थी मुझे कि मुझे ताजमहल बनवाना, तो मैंने इसको बोला कि ठीक है आप मेरी मुमताज बन जाओ, मैं आपकी याद में शाहजहां की तरह ताजमहल बना दूंगा। कहाँ मैं, मेरा यार मैंने किलिंग लेके तो करूंगा ना मैं। चलो ठीक है, 1 घंटे तक तो बना लो, चले जाओ। भरता तो तूने मेरा बना दिया, जा रहा हूँ, जगह तो दे दे। सुनो, हाँ मेरे ना जी पचाने हो रहे बहुत ज्यादा, मैंने दवाई भी खा ली, ट्यूब भी लगा ली, और आराम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। क्या करूँ अब? तो सुबह से शाम तक बोलती है उसको, आराम तो देती नहीं, छाले ही पड़ेंगे फिर। लो चुपचाप, ठीक है? हाँ लगा ले, जल जा। है कि तुम इधर आओ। मेरा फोन क्यों ले आओ आपने? हाँ ये क्या लिख रहा बताइए जरा, हकलाओ ना, बताओ तो सही सही क्या लिख रहा। तेरी आंखों के समंदर में डूब के मर जाऊंगा। हाँ कोई वो है, वो समंदर तरक्को तुम इतने बड़े समंदर में डूब के मर जाऊंगा, क्या करना चाह रहे हैं? मेरी बात तो सुन, वो ना लड़की मुझे परेशान कर रही थी बार बार फोन करके मैसेज करके, तो मैंने उसको बोला कि तेरी आंखों के समंदर में डूब के मर जाऊंगा और तेरे ऊपर इल्जाम डाल दूंगा वो तो कि तू लिख मुझे नहीं रहा पर, यहाँ कहीं। उसने डिलीट कर दिया होगा ना ताकि पुलिस केस ना हो जाए। मेरे की शक करती रहती है, मैं कितना प्यार करता हूँ तेरे से, समझ। तेरे लिए रोटियां बना रहा था मैं, कितने अच्छे हो आप, है ना? सीधा पति मिल रहा कितना मुझे। वारी जाऊं मैं आप पे, जाओ आप मैं खाना रोट बना लो। हाँ मैं बता। मैं भी ऐसे ही सब करती रहती हूँ। सुनो इधर आओ, क्या है आप मुझे रानी क्यों बुलाते हो? नौकरानी, ज्यादा बड़ा शब्द हो जाना इसलिए। क्या सुनो, आपको है, पता ना, आपको जान के बुलाती हूँ, क्यों बुलावा? क्योंकि जानवर बड़ा हो जाए इसलिए। जाओ आज इसे साफ कर करके इनका पेंट उतारोगे क्या? मेरी भी बात सुन ले करो क्या है बोल। यार, आप तो हर रोज ऑफिस चले जाओ शाम तक के लिए, और बच्चे स्कूल चले जाओ, फिर ठीक है, मैं अकेली रह जाऊं, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता, बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन को बुला लिया करना, जब तू चली जा मैं भी उसे बुलाऊं। किधर जा रहे हैं कपड़े फैलाने जा रहा बाहर। क्या यार, एक बात बताओ, मेरे समझ नहीं आ रहा खुशी क्या चीज हो। पता नहीं जी, मेरा तो ब्याह जल्दी हो गया था। आपको भी नहीं पता? मीनू, क्या? काश तेरी छोटी बहन होती यानी मेरी साली, जब भी मैं तेरे घर जाता ना वह दूर से मुझे देखती और बोलती गले लग के, जीजू आ गए, जीजू आ गए। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात तो मेरा भाई गले लग जाएगा आपके। चल चले, मैं बढ़ाऊ सारे काम मैं करूँ, आराम से बैठती रहा, चुप बैठ जाओ थोड़ी देर, ठीक है ना? ज्यादा गुस्से में बात ना करे कर, समझ गई? मेरे साथ ना गुस्से में बात ना करा करो, फालतू के नहीं, मैं घर छोड़ कर चल जाऊंगी, बता रही हूँ। देख गुस्से वाली बात हो रही है तो गुस्से वाली बात कर, फालतू में हंसी वाली बात ना करे। नो 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 फोन मार दूंगी फिर मैं। नो, क्या हो गया आपको, क्यों दास से बैठे? मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं कितना अकेला था, तन्हा था, अच्छा ऐसे ही फिरता था आवारा, फिर मेरी जिंदगी में तू आई है। और फिर मैं सोच रहा था कि मैं अकेला ही ठीक था। क्या
क्या हो गया तुझे वे? क्यों उदास बैठी तू? खड़ा खड़ा तो यार दिया मैंने। यार मैं अच्छी नहीं दिखती ना। पागल है क्या तू? तेरा मन तो साफ है, चल क्या हो गया?